श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 पढ़ा रहे थे, जल संसाधन। सामाजिक विज्ञान लघुत्तरी प्रश्न उसमें बता देते थे आपको, अति लघुत्तरी प्रश्न आज बता रहे थे, मतलब उसमें बता है अति लघुत्तरी प्रश्न में जैसे एक ही क्या दो दो नंबर का पूछ लेता है, जैसे पूछता है कि भाखड़ा नंगर बांध किस नदी तथा किस राज्य में बना हुआ है, तो भाखड़ा नंगर बांध पंजाब राज्य में और सतलज नदी पर बना हुआ है, इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। मतलब उत्तरी प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न आप देखेंगे बहुद्देशीय बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य बताइए। बहुद्देश्य नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य बताइए। दो उद्देश्य क्या हैं उसमें देखेंगे उत्तर है। बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना के दो उद्देश्य, उद्देश्य में यही है। नंबर एक है बाढ़ नियंत्रण दो, नंबर पे है जल विद्युत का उत्पादन। जल विद्युत का उत्पादन इसका दो उद्देश्य मुख्य रूप से ही होता है कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए, और दूसरा होता है जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाए। तो अगला प्रश्न आपका है चंबल योजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, चंबल योजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, चंबल योजना से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है,
चंबल योजना से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना परियोजना किस नदी तथा किस राज्य में बना हुआ है? किस राज्य में बना हुआ है? इसका उत्तर होगा कहाँ टिहरी पूछ रहा है। टिहरी बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना किस नदी भागीरथी नदी तथा उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है? उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? उत्तर है आपका तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना से योजना से कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य को लाभ प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी तथा किस राज्य में बना हुआ है? उत्तर है हीराकुंड बांध परियोजना महानदी
तथा उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। महानदी तथा उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है, ब्यास परियोजना से किन किन राज्य को लाभ प्राप्त होता है, किन किन राज्य को लाभ प्राप्त होता है? उत्तर है, ब्यास परियोजना से पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर बना हुआ है? बना हुआ है तो गांधी सागर बांध परियोजना परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना किस राज्य में, राजस्थान राज्य में तथा चंबल नदी पर बनाया गया है? बनाया गया है इनसे मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य को
लाभ प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे अतलग उत्तरी प्रश्न पूछता है तो इसमें छोटा छोटा है, मतलब बहुद्देश्य नदी घाटी परियोजना के दो उद्देश्य क्या है, नंबर एक बाढ़ नियंत्रण, दूसरा क्या है जल विद्युत का उत्पादन करना। फिर चंबल योजना किस नदी किन किन राज्यों से लाभ प्राप्त होता है, चंबल योजना से वही बताया कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी तथा किस राज्य में बना हुआ है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी तथा उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, तुंगभद्रा ये जो है कि दक्षिण भारत में पड़ता है, तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना से कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य को लाभ प्राप्त होता है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में बना हुआ है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी तथा उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। ब्यास परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, ब्यास परियोजना से पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है। गांधी सागर बांध परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर बनाया गया है, तो गांधी सागर बांध परियोजना चंबल राजस्थान राज्य की चंबल नदी पर बनाया गया है, इससे मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है।